हे गाइज, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो अभी इंस्टाग्राम पे इस तरीके का जो पोस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा अपलोड किया जा रहा है एंड वायरल भी हो रहा है, एंड इस वाले पोस्ट पे काफ़ी ज़्यादा रीच वगैरह भी आ रहा है, एंड ये पोस्ट अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है। सभी लोग सर्च कर रहे हैं एंड कॉमेंट करके पूछ रहे हैं, मैसेज करके पूछ रहे हैं कि इंस्टाग्राम पर लॉन्ग फ़ोटो कैसे पोस्ट किया जाए। तो आपके लिए मैं आज का ये वीडियो लेकर आया हूँ कि आज की इस वीडियो में मैं प्रॉपर तरीका बताऊँगा कि कैसे आप लोग अपने इमेज को क्रॉप कर सकते हो इस तरीके से, एंड अपने इमेज को कैसे इंस्टाग्राम पे अपलोड कर सकते हो। बस आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखिएगा। तो इसको करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना इंस्टाग्राम ओपन करना है। ओपन करने के बाद जस्ट आपको अपना प्रोफाइल ओपन कर लेना है। देन अब आपको राइट कॉर्नर पर ऊपर थ्री लाइन का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर क्लिक करना है। देन आपको सेटिंग एंड प्राइवेसी का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करना है। अब आपको ऊपर में ही अकाउंट सेंटर का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे। देन प्रोफाइल का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे ऐड अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा, जस्ट ऐड अकाउंट पे क्लिक करेंगे। एंड ऐड फेसबुक अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे। देन आपका फेसबुक अकाउंट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, तो जस्ट आपको कंटिन्यू करना है। अगर आपका ये फेसबुक अकाउंट नहीं है तो नॉट यू पे क्लिक करके अपने अकाउंट के ईमेल एंड पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेना है। देन आपको कंटिन्यू करके यस फिनिश एडिंग पर क्लिक करके अपने इंस्टाग्राम को फेसबुक से लिंक यानी कनेक्ट कर लेना है। तो सबसे पहला जो हमारा काम है ये होना चाहिए। सो बहुत सारे लोग का जो इंस्टाग्राम लिंक नहीं होता है तो उनको लिंक कर लेना है, एंड जिनका लिंक है वो क्या करेंगे, अपने क्रोम ब्राउज़र पर आ जाना है। क्रोम पर आने के बाद अब यहाँ पर आपको सर्च करना है मेटा बिजनेस साइट। आपको क्या सर्च करना है, मेटा बिजनेस साइट। जैसे आप लोग सर्च करोगे आपके सामने ये वाला एक साइट आ जाएगा, जस्ट आपको मेटा बिजनेस साइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन अब आपके सामने एक न्यू इंटरफेस आएगा कुछ इस तरीके का। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको ऊपर थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, देन डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन मिलेगा, डेस्कटॉप साइट पर क्लिक करके अपने क्रोम ब्राउज़र को डेस्कटॉप मोड में ऑन कर लेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, आपको इस तरीके से जूम करना है। जूम करने के बाद यहाँ पर इस तरीके का एक सिंबल देखने को मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे। देन फिर से जूम आउट करेंगे एंड लॉगिन विथ फेसबुक का ऑप्शन मिलेगा, लॉगिन विथ फेसबुक पर क्लिक करेंगे। अब हमने जो फेसबुक अकाउंट लॉगिन किया अपने इंस्टाग्राम से, उस फेसबुक का ईमेल एंड पासवर्ड देके इसको लॉगिन कर लेंगे। सो अब लॉगिन हो जाने के बाद आपको यहाँ पर एक गेट स्टार्टेड का ऑप्शन देखने को मिलता है, गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे इतना करेंगे हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, यानी हमारा इंस्टाग्राम एंड फेसबुक जो है उसका बिजनेस साइट यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर ऊपर में एक ऑप्शन देखने को मिलता है क्रिएट पोस्ट, जस्ट आपको क्रिएट पोस्ट पर क्लिक करना है। जैसे आप लोग क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे कंफर्म एक्सेस का ऑप्शन मिलेगा इंस्टाग्राम एंड फेसबुक का, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कंफर्म पर क्लिक करेंगे। एंड यहाँ पे मैसेज इनबॉक्स का जो ऑप्शन है उसको अलाउ करने को बोला जाएगा, तो यहाँ से कंफर्म कर देंगे। अगर आपको नहीं करना तो आप लोग कटआउट भी यहाँ से कर सकते हो, कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। जस्ट लाइक यहाँ पर मैं कटआउट ही कर देता हूँ। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जो भी आपको पहले कैप्शन वगैरह लिखना है उस कैप्शन को यहाँ पर आपको लिख लेना। जैसे कि आप लोग फोटो अपलोड करते समय कुछ भी कैप्शन डालते हो, कुछ भी शायरी वगैरह लिखते हो, वो आपको यहाँ पर लिख लेना है। देन आपको क्या करना है, आपको अपना फ़ोटो क्रिएट करना होगा यानी फ़ोटो बनाना होगा, क्योंकि अब हमें इसमें फ़ोटो अपलोड करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, चले जाना आपको प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद अब यहाँ पर आपको सर्च बार का आइकन मिलेगा, सर्च बार पर क्लिक करना है। देन आपको सर्च बार पर क्या सर्च करना है, फ्रेम साइज एडिटर। फ्रेम साइज एडिटर सर्च करने के बाद आपको बहुत सारा एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा, जिसमें से इमेज साइज फोटो रिसाइजर का एप्लीकेशन होगा, इसको आपको क्या करना है, डाउनलोड यानी इंस्टॉल कर लेना है। अब इंस्टॉल करने के बाद जस्ट इस ऐप को ओपन करना है। ओपन करने पे आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पर वेट आपको सेलेक्ट करना होगा, तो आप लोग अपने अनुसार 300, 400, 500, 600 के बीच में ही आप लोग अपना यहाँ पर वेट सेलेक्ट कर लोगे। देन आपको यहाँ पर हाइट सेलेक्ट करना होगा, तो आपको हाइट भी 2400 या फिर 2500 के लगभग सेट कर लेना है। सेट करने के बाद अब आपको ऊपर में फ़ोटो का आइकन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे। एंड जो भी फ़ोटो आपको यहाँ पे रिसाइज करना उस फ़ोटो को सेलेक्ट करके अपने फ़ोटो को कुछ इस तरीके से जूम वगैरह करके यहाँ पर रिसाइज कर लोगे। रिसाइज करने के बाद आप लोग को नीचे एरो का ऑप्शन मिलेगा, एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इस फ़ोटो को अपने गैलरी में सेव कर लोगे। तो जस्ट लाइक हमारा फ़ोटो भी सेव हो चुका है।
अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ऐड फोटो का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पर ऐड फोटो पर क्लिक करेंगे। देन आपको क्या करना है, नीचे इस तरीके से फिर से इसको जूम कर लेना है, यानी जूम आउट करना है। उसके बाद अपलोड फ्रॉम डेस्कटॉप पे क्लिक करना है। अभी आपको बिल्कुल ध्यान से देखना होगा। अब यहाँ पे आपने जो फोटो रिसाइज किया उसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद जल्दी से आपको नीचे टैप 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 करना है। मैं आपको बता देता हूँ, देखो मैं अपना फ़ोटो सेलेक्ट किया, डन वाले ऊपर ऑप्शन पे क्लिक किया। अब नीचे आना है, पब्लिक का एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर, ये थोड़े देर के लिए पब्लिक का ऑप्शन आता है। आपको टैप 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 इस पर करते रहना, इस पर क्लिक करते रहना, तो आपका जो फ़ोटो होगा वो पब्लिक हो जाएगा। तो अगर आपको यहाँ से एक बार में नहीं होता है तो आपको दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार इस तरीके से करके करना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा प्रॉब्लम भी फेस करने को मिल रहा है। तो आपको यहाँ पे पब्लिक पे टैप 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 करते रखना है। टैप का एक बार नहीं होता है फिर से उसको कट करके फिर से फ़ोटो अपलोड करके फिर से टैप टैप करना है। तो यहाँ पे तीन से चार बार जब आप लोग करोगे तो आपका जो फ़ोटो है वो अपलोड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अपलोडिंग होने में भी टाइम लगता है, सो आपको यहाँ पर थोड़ा देर वेट तो करना पड़ेगा। तो कुछ इस तरीके से करके आप लोग अपने इंस्टाग्राम पर लॉन्ग फोटो अपलोड कर सकते हो। सो वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आता है तो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो हेल्पफुल एंड नॉलेजबल लगा होगा तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करना।